दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रिकेटर बहुत पैसा कमाते हैं, मगर जरूरी नहीं कि सभी खिलाड़ियों ने हमेशा से अच्छे दिन देखे हों। कई खिलाड़ियों ने गरीबी से जूझकर अपनी मेहनत से टीम में जगह बनाई है। खिलाड़ी एक बार भारतीय क्रिकेट से जुड़ने के बाद अपनी मेहनत और खेल के दम पर काफी मालामाल हो जाते हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं जो बहुत ही गरीबी से निकल कर आए हैं। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने परिवार के खस्ता हालात के चलते कड़ी मेहनत के दम पर भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है, और आज हम आपको उन्हीं कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों से रूबरू करवाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र जडेजा के बारे में। सौराष्ट्र के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में वॉचमैन थे। परिवार में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति होने के कारण उन्हें भी काफी मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ा है, मगर क्रिकेट ने जडेजा की किस्मत ही बदल दी। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एक मुख्य खिलाड़ी के तौर पर अपना स्थान बना चुके हैं। रविंद्र जडेजा ने एक ऑलराउंडर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम को काफी कुछ दिया है, और उनकी इसी योगदान के कारण वो आज भारत के एक अच्छे ऑलराउंडर कहे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भुवनेश कुमार की। भुवनेश्वर कुमार आज के समय में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तीनों ही फॉर्मेट के स्ट्राइक तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपनी स्विंग गेंदबाजी से बड़ा नाम कमाया है। भुवनेश्वर का बचपन मेरठ में बीता। आपको बता दें कि मशहूर भुवी ने भी गरीबी का मुंह देखा है, और उस दौर में उनके पिता और बहन ने उनकी काफी मदद की थी। अब बात करते हैं उमेश यादव की। टीम इंडिया के पेस बैटरी ग्रुप के मुख्य सदस्य उमेश यादव ने भी लंबे समय तक बुरे दिन देखे हैं। उमेश यादव के पिता कोयले की खदान में काम करते थे। कभी सिपाही बनने की चाहत रखने वाले उमेश के लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल था, लेकिन आज उमेश यादव ने अपनी तेज गेंदबाजी से काफी नाम कमाया है। अब अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी आज टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाज हैं। शमी के पिता तौसिफ अली एक किसान हुआ करते थे। शमी के पिता को भी क्रिकेट का काफी शौक हुआ करता था। वो भी तेज गेंदबाज हुआ करते थे। इसके अलावा शमी के तीनों भाई भी तेज गेंदबाजी के शौकीन हैं, मगर शमी ने अपना अलग मुकाम बनाया। अब अगर बात करें इरफान पठान और यूसुफ पठान की, तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले इरफान पठान सूरत की एक मस्जिद में बड़े हुए हैं। इरफान और उनके भाई यूसुफ का बचपन तंगहाली में गुजरा था। आपको बता दें कि इरफान ने क्रिकेट की शुरुआत सेकेंड हैंड किट से की थी, मगर फिर वो रातों रात स्टार बन गए। भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले दशक पठान ब्रदर्स की एंट्री हुई थी। बडोदरा के इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों ही भाइयों ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई सालों तक प्रतिनिधित्व किया है। इरफान पठान और यूसुफ पठान बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाते हैं। अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर मुनाफ पटेल की। भारतीय क्रिकेट टीम साल 2011 में विश्व कप खिताब जीतने में सफल रही थी, और इसी ऐतिहासिक कामयाबी का हिस्सा भरूच के तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल भी थे। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल उस दौरान टीम के मुख्य गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे, लेकिन एक वक्त पर भारतीय पेस बैटरी का हिस्सा रहे मुनाफ काफी गरीबी से निकले हैं। मुनाफ के पिता किसी और के खेतों में काम कर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। मुनाफ को भी कई बार कहा गया कि वो क्रिकेट छोड़कर परिवार का हाथ बटाएं, लेकिन मुनाफ ने हार नहीं मानी और खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर ही दम लिया। अब बात करते हैं विनोद कांबली की। मुंबई से आने वाले पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने सचिन के साथ एक वक्त पर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कांजू मार की एक चौल में रहने वाले कांबली ने काफी मुश्किल वक्त देखा है। कांबली के पिता एक साधारण मैकेनिक हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से ही आज ये मुकाम हासिल किया है। अब अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो भारतीय क्रिकेट टीम के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आज कौन नहीं जानता। महेंद्र सिंह धोनी विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने अपने खेल और कप्तानी कौशल के दम पर क्रिकेट में खास उपलब्धियां हासिल की हैं। तो साथ ही महेंद्र सिंह धोनी आज दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से एक हैं। लेकिन धोनी एक वक्त पर बहुत गरीब परिवार से निकलकर क्रिकेट में आए थे।
झारखंड के रांची से नाता रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी अपनी शुरुआती करियर में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर का काम करते थे, जिसके बाद वो आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भारतीय क्रिकेट टीम के इन बेहतरीन टैलेंटेड और स्ट्रगलिंग क्रिकेटरों के बारे में जानकर कैसा लगा और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।